नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की हमारी जो द्वितीय पुस्तक है पीयूष प्रवाह, तो उसके हम पहले अध्याय का जो अध्ययन कर रहे थे, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, उसने कहा था, उसके दो जो दृश्य थे उनका हमने अध्ययन किया। पहला जो दृश्य था उसमें एक बालक और बालिका जो हैं अमृतसर की जो बाज़ार है वहाँ मिलते हैं और उनके बीच में बातचीत होती है, तो उसका वर्णन पढ़ा था। फिर जो दूसरा वर्णन था उसमें हमने जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो उसमें किस प्रकार से वहाँ पे हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनकी स्थिति कैसी है, किस प्रकार से वो रह रहे हैं, तो उसका वर्णन वहाँ पे किया गया था और उसका हमने अध्ययन किया था। इसमें जो लहना सिंह हैं, वजीरा सिंह हैं और सूबेदार सिंह हैं, तो इनके आपस में जो बातचीत है उसका वर्णन किया गया था और किस प्रकार से वे आपस में बातचीत करते हैं, तो उसका हमने अध्ययन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा भाग है इसका, तीसरा दृश्य कि आगे क्या हो रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरकोट ओढ़कर सो रहा है। अब देखिए इसमें कि दोपहर बीत चुकी हैं रात की और अंधेरा जो है वो छाया हुआ है और सन्नाटा भी छाया हुआ है। बोधा सिंह, अब ये बोधा सिंह कौन है, है ना, तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि बोधा सिंह भी उन्हीं की रेजिमेंट का एक सिपाही है और यह सूबेदार का बेटा है। और साथ ही साथ जो हमने पहले दृश्य में पढ़ा था ना कि लहना सिंह है और लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो ये उसी का लड़का है, ठीक है ना। और ये पहली बार ही यहाँ पे लाम पे आया, अर्थात युद्ध में आया है, और इसको बुखार है, बीमार है ये, तो इसके कारण से जो लहना सिंह इसका काफ़ी ख्याल रखता है। और काफ़ी ख्याल क्यों रखता है ये हम पढ़ेंगे आगे के भागों में। तो बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर, अब देखिए बीमार था वो, तो अपने तो दोनों कंबल बिछा रखे, लेकिन लहना सिंह के जो 2 कंबल थे और 1 बरकोट था, बरकोट यानी कि ओवरकोट था, वह भी ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, अब लहना सिंह जो है ना वो पहरे पे खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुँह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। अब एक आंख यानी कि एक बार तो वो देख लेता है, खाई की तरफ देख लेता है कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, और दूसरी बार जो बोधा सिंह के दुबले शरीर पर वो देखता है यानी कि उसकी तरफ भी निगाह रखता है कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बोधा सिंह कराहया, अब कराहया मतलब थोड़ा सा क्योंकि बीमार था तो करहाने की जो आवाज़ आई, तो क्यों बोधा भाई क्या है, अब बोधा भाई क्या है, अब क्योंकि लहना सिंह बार बार उसकी तरफ देख रहा था तो इसलिए थोड़ा सा करहाने पर ही उसने कहा कि क्या बात हो गई है। तो बोधा सिंह कहते हैं कि पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। अब लहना सिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूछा कि कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपकंपी छूट रही है। अब कंपी छूट रही है मतलब कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अब तार बज रहे हैं मतलब कि ठंडी जो लहर है ना, ऐसा लगता है कि ठंड जो है वो मेरे शरीर के अंदर प्रत्येक रोम रोम के अंदर ही ऐसा लगता है कि जैसे दौड़ रही है, और कंपकंपी की वजह से मेरे दांत भी बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अब देखिए लहना सिंह कितना समर्पित है अपने कर्तव्य के प्रति, अब ये किस कारण से ऐसे कर रहा है वो हम पढ़ेंगे आगे कि मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, अब बोधा सिंह कहते कि तुम क्या करोगे, तो वो कहते कि मेरे पास सिकड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। अब देखिए सर्दी बहुत है और है, लेकिन फिर भी वो उसका मन रखने के लिए कहते हैं कि मेरे पास तो सिकड़ी है, है ना, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता। अब बोधा सिंह कहते कि नहीं मैं नहीं पहनता, कि 4 दिन से तुम मेरे लिए, अब 4 दिन हो गए मैं बीमार हूँ और मेरे लिए तुम कितना परेशान हो रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। अब देखिए बोधा सिंह को बुलाने के लिए लहना सिंह कहते हैं कि अरे मेरे को याद आ गया, मेरे पास में दूसरी गर्म जर्सी भी है,
आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमे मेमे यानी कि जो वहाँ की औरतें ना, तो गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। अब देखिए अपना कोट उतार कर, एक ही कोट पहन रखा था उसने, तो कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है। तो बोधा सिंह कहते, सच कहते हो और नहीं झूठ? अब लहना सिंह कहते, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ मैं, सच ही कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक जर्सी और है, गर्म है, और विलास से बनकर जो मैडम जो मेमी है ना वो भेज रही हैं, जो तो इस कारण से मेरे पास में और भी हैं, मैं वो पहन लूँगा। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। अब देखिए उसके बोधा सिंह एक बार बार ना कहने पर भी ज़बरदस्ती जो अपनी जर्सी है उसको पहना दी और अपनी जो खा अपना जो आप खाकी कोट पहनकर, जो खाकी कोट मिला हुआ था उसको पहन लिया और सिर्फ जीन का कुर्ता पहनकर वो पहरे पर आ खड़ा हुआ है। मैम की जर्सी कथा केवल कथा थी, अब मैम ने कोई जर्सी भेजी है तो ऐसी कथा केवल कथा ही थी, सच नहीं था, वास्तविकता नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह है। अब आधा घंटा ही बीता था उसको अपनी जर्सी दिए हुए बोधा सिंह को, तो खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह है। कौन? लेफ्टन साहब। अब लेफ्टिनेंट साहब जो हैं वो आ गए हैं। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। अब देखिए लेफ्टन साहब आ गए हैं तो खाई के पास में आवाज़ आती है, वो हुक्म हुजूर, और इतना कहकर जो सूबेदार जो है ना सूबेदार हजारा सिंह वो तन जाता है फौजी सलाम करके। देखो इसी समय धावा करना होगा, वो कहते हैं कि इसी समय अपने को धावा करना है। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। अब मील भर की दूरी पर यानी थोड़ी दूरी पर एक पूर्व के कोने में ना एक जर्मन खाई है, जर्मन सैनिक जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसमें 50 से ज़्यादा हैं जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता है, तीन चार घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबका को साथ ले उनसे जा मिलो। अब देखिए जो लेफ्टन है ना, तो लेफ्टन साहब जो आ चुके हैं, स्थानीय बोलचाल की भाषा में लेफ्टन साहब कहा गया है, लेफ्टिनेंट हैं ये। अब वो सूबेदार को हुक्म दे रही हैं कि तुम यहाँ से जाओ और एक मील की दूरी पर पूर्व दिशा में एक जर्मन खाई है, वहाँ पे 15 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, और जो रास्ता है ना वो यहाँ से पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत को काट कर बनाया गया रास्ता, और तीन चार घुमाव आएंगे जहाँ मोड़ है वहाँ पे 15 जवान मैं खड़े करके आया हूँ, और तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ के बाकी सबको लेके चले जाओ और उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब देखिए कहते हैं खंदक छीन कर जो खाई है ना वो जो बड़ा गड्ढा है उसको छीन लेना, वहाँ कब्जा कर लेना, और जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले तो वहीं पे डटे रहना, वहाँ से आना मत, हम यहाँ रहेगा। अब जो लेफ्टिनेंट है वो कहते हैं कि मैं यहीं पर रहूँगा। तो सूबेदार कहते हैं जो हुक्म, जैसा आपका आदेश हो। अब देखिए सेना का एक नियम रहता है कि वहाँ पर अनुशासन जो है वहाँ पे ना नहीं कही जाती, यस ही कहा जाता है, हाँ ही कहा जाता है। तो जैसा उन्होंने हुक्म दिया वैसा सभी चुपचाप जो है सब तैयार हो गई। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, तब लहना ने उसे रोका। अब बोधा सिंह काफ़ी बीमार था, तो हुक्म मिला तो आदेश मिला लेफ्टिनेंट का, तो वह भी कंबल वगैरह उतार कर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया, लहना सिंह समझ कर वे कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। अब लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया, अब लहना सिंह ने उसे रोका है, लहना सिंह आगे हो गया और बोधा की तरफ इशारा करते हैं, फिर लहना सिंह चुप हो जाता है, और पीछे 10 आदमी कौन रहे वहाँ पे इसकी हुज्जत हुई। हुज्जत का मतलब होता है ये उर्दू का शब्द है वैसे तो, कि विवाद होने लग गया कि कौन रहेगा वहाँ पे, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया, अब समझा बुझा के ना 10 सैनिकों को वहाँ पे छोड़ा है, और सूबेदार ने मार्च किया मतलब वहाँ से वो चले गए हैं। तो लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। अब जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे ना वहाँ पे, जिसने सूबेदार को आदेश दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ और आगे एक मील भर की दूरी पे ही 50 जर्मन सैनिकों की खाई है, तुम उस पे जाके हमला कर दो,
और अपने यहाँ पे सैनिकों को ले जाओ और सिर्फ 10 सैनिक यहाँ पे छोड़ दो। अब लेफ्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब 10 मिनट तक तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन 10 मिनट बाद में जो लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ा के लेफ्टिनेंट साहब ने कहा कि लो तुम भी पियो। आँख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। आँख मारते करते मतलब कि पल भर में ही लहना सिंह सब कुछ समझ गया। मुँह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा। अब देखिए, आँख मारते करते मतलब कि एक पल में ही पलक झपकते ही लहना सिंह सब समझ गया। अब क्या समझ गया कि ये जो उनके लेफ्टिनेंट थे ना, वो नहीं है, ये अलग ही कोई जर्मन हो सकता है। तो मुँह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा। बाल देखे तब उसका माथा ठनका। माथा ठनका मतलब कि उसको कुछ संशय हुआ, आशंका हुई। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए क्योंकि उनका जो लेफ्टिनेंट था ना, तो उनके जो बाल थे वो पट्टियों वाले थे। आपने देखा भी होगा पुराने समय की जो तस्वीरें वगैरह हैं, तो उसमें जो अंग्रेज़ अफसर वगैरह थे या अधिकारी थे, तो उनके जो बाल थे वो पट्टीदार होते थे, यानी कि लहर सी बनी रहती थी बालों में। तो लहना ने कहा कि लेफ्टिनेंट साहब के जो पट्टियों वाले बाल हैं वो एक दिन में कहाँ चले गए, और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। अब उसको लहना सिंह को आशंका तो हो गई है कि ये लेफ्टिनेंट जो है, जो लेफ्टिनेंट है वो ये और होगा। तो जांचने के लिए कि लेफ्टिनेंट साहब उन्हीं की रेजिमेंट के हैं या नहीं, कोई और हैं, तो क्योंकि 5 साल से वो उनकी रेजिमेंट में थे, तो जांचना चाहा है। तो देखिए किस प्रकार से वो प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग कर रहा है उस समय की, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब से, जो लेफ्टिनेंट बन के आए ना, लेफ्टिनेंट बन के वहाँ पे आए, तो लड़ाई ख़त्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। अब जो लेफ्टिनेंट कहते हैं ना कि जो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब जाएंगे वहाँ पे, क्यों तुम्हें यह कोई यह जो देश है पसंद नहीं है क्या। तो लहना सिंह कहते, नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जंगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। अब देखिए किस प्रकार से वो बातों बातों में पता लगाना चाहता है कि जो लेफ्टिनेंट है वो वास्तविक वही है या कोई और है। तो कहते कि पारसाल यानी कि पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे जो हमें ना जंगाधारी जिले में शिकार करने गए थे, तो कहते हाँ हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे। तो फिर कहते हाँ, फिर वो कहता कि हाँ वही जब आप खोते पे सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। अब खोता गधे को कहते हैं। तो देखिए अगर उसने कहा, उसको ऐसे था लहना सिंह को कि अगर उनका लेफ्टिनेंट है तो वह जान जाएगा कि खोता किसे कहते हैं, है ना। तो लेकिन जब उसने कहा कि आप खोते पे सवार थे और आपका खानसामा, खानसामा मतलब जो रसोईया अब्दुल्ला, रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, तो देखिए वो कहते हैं लेफ्टिनेंट जो कहते हैं बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसे बड़े बड़े कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। और देखिए वो कहते हैं कि नीलगाय ऐसी थी कि इतनी बड़ी, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। अब कंधे से निकली और पुट्ठे से निकली, यानी कि आगे से लगी और पीछे से निकल गई। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है, क्यों साहब। शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न। वो कहते हैं कि क्या शिमले से वो तैयार होकर उसका सिर आ गया था क्या। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग दो दो फुट के तो होंगे। वो कहते हैं कि हाँ मैंने वो विलायत भेज दिया था, तो बड़े बड़े सींग थे, दो दो फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। अब लेफ्टिनेंट को पता ही नहीं है कि जो नीलगाय वगैरह है तो उसके जो सींग नहीं होते, और वो भी इतने दिन 2-2 फुट के ना। तो कहते हैं कि हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पी। तो लहना सिंह कहते पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई माचिस को कहते हैं कि दिया सलाई ले आता हूँ कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। अब पहले तो उसको संदेह था
ये हमारे लेफ्ट नट है या नहीं, लेकिन अब उसका संदेह जो यकीन में बदलेगा कि ये हमारे नहीं है, हमारे लेफ्ट नट नहीं है, कोई दुश्मन है ये, तो उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसने निश्चय कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। अब अंधेरा था खंदक के अंदर, खाई के अंदर, तो वह किसी कोई सो रहा था, वह उससे टकरा गया। कौन, वजीरा सिंह है? हाँ, कहो लहना क्या कयामत आ गई है, ज़रा तो आँख रगड़ने दी होती। अब ये कयामत क्या होता है बता सकते हो क्या आप? कयामत कहते हैं कि भूकंप या किसी प्रकार की जो है विपत्ति जो है, क्या वो विपत्ति आ गई है कि कोई? तो थोड़ी देर सोने भी नहीं दिया मेरे को, तो ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी जो तुम ऐसे टकरा रहे हो और कर रहे हो? तो ये है भाग तीन। और जो दृश्य चार में देखिए कि होश में आओ, कयामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। अब देखिए वो कहते हैं कि होश में आओ, वजीरा सिंह वहाँ पे था, वजीरा सिंह कहते हैं कि अरे होश में आ तू, कहाँ नींद में खोया हुआ है कि कयामत ही आ गई है, यानी कि एक प्रलय ही आ गई है ऐसी, और वो भी लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आ गई है। वजीरा सिंह कहते हैं क्या जा मिल, वो कहते क्या हो गया ऐसा? तो कहते हैं लेफ्टिनेंट साहब यहाँ तो मारे गए या कैद हो गए हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि लहना सिंह कहते हैं यहाँ तो लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया, या फिर वे मारे गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, सूबेदार ने इनका मुँह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। अब उसने कहा कि सूबेदार सिंह को तो इसने भेज दिया वहाँ पे। अब ये लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कुछ जर्मन आ गया और सूबेदार सिंह ने इसका मुँह नहीं देखा, और मैंने देख लिया इसका मुंह और बातें भी की मैंने इससे, साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। अब वो कहते हैं कि साफ उर्दू बोलता है लेकिन जो किताबी उर्दू है ना सिर्फ वो ही बोल रहा है, व्यवहारिक उर्दू नहीं आती उसको, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो वजीरा से कहते तो अब मारे गए, धोखा है सूबेदार होना, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। अब वो कहते हैं कि मारे गए, धोखा है, ये तो धोखा दे दिया हमें, सूबेदार हो रहा जो है सूबेदार और जो है बाकी सभी जो सैनिक वो कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा, धावा मतलब हमला हो जाएगा। उठो एक काम करो, वो कहता है लहना सिंह वजीरा सिंह कि उठो और एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे, सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। अब वो कहते हैं कि तुम भाग के जाओ यहाँ से, और सूबेदार से कहना कि तुम आप जो वापस लौट के आ जाओ, और खंदक की बात झूठ है, कोई खंदक वगैरह नहीं है, चले जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। वो कहते हैं कि पिछले रास्ते से निकल जाओ खंदक के, इस खाई के, और पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए, यानी किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगे, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि, अब वो कहता है वजीरा से कहते हैं कि हुक्म तो ये है कि हमें खंदक में रहना है। अब वो लहना से कहते हैं कि ऐसी तैसी हुक्म की, अरे हुक्म क्या करेगा जब बचेंगे नहीं तो ना, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह है जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। अब वो लहना सिंह कहते हैं कि मैं हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है? वो मैं ही हूँ, जमादार लहना सिंह ही हूँ, और वो हुक्म तुम्हें दे रहे हैं, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, अब खबर लेता हूँ मतलब जाके फिर उनसे पड़ताल करता हूँ मैं, पर यहाँ तो तुम आठ ही हो। अब वजीरा से कहते हैं कि तुम आठ ही हो। अब लहना से कहते हैं कि आठ नहीं 10 लाख हैं हम, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। अब देखिए अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तो गुरु गोविंद सिंह कहाँ इस प्रकार से, तो एक एक अकालिया जो सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है, 1.25 लाख अगर आ जाए ना सामने तो भी जो अकालिया सिख है, जो सिख है वो हार मानने वाला नहीं है, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ तुम आठ हो, चले जाओ। अब वो वजीरा से कहते हैं कि तुम चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। अब लौट कर खाई का मुहाना जो था ना, जो गेट था उसका, तो उसके लहना सिंह दीवार से चिपक गया, और वो देख रहे कि लप्टन वो क्या कर रहा है वहाँ पे। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। अब बेल नहीं है ये, बेर है यहाँ पे, कि छोटे छोटे जो 3 बम निकाल लिए अपनी जेब में से, 3 गोले निकाल लिए, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया,
तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। अब देखिए लहना सिंह है जो है वो देख रहा है कि किस प्रकार से जो सूबेदार है ना, जो लप्टन आया है, तो किस प्रकार से वो जर्मन सैनिक है, जर्मन अधिकारी है, और वह उनकी खंदक पर कब्जा करना चाहता है। और उसने देखा कि उसने बेर की आकार के 3 गोले निकाले हैं और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया है, और तीनों में एक सा तार बंधा हुआ है। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, क्योंकि सिगड़ी तो जला रखी थी लहना सिंह ने, तो जो एक तारों की गुच्छी थी उसके साथ में सूत की गुच्छी बांध रखी थी, तो उसको सिगड़ी के पास में रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जाकर गुत्थी पर रखने, अब देखिए बाहर की तरफ वो जाने लगा है, तो गुत्थी जो थी, जो कह सकते हैं अपने जो एक प्रकार से सूत का एक गुच्छा जो था वहाँ पे रखा था, तो उस पर दिया सलाई जलाकर वो जलाना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दे मारा। अब देखिए बिजली की तरह से, यानी कि उसे लहना सिंह ने क्या करना है, तो वो हाथों हाथ ही उसने जो है उसके लिए जो है अपनी जो बंदूक थी लहना सिंह के पास में, तो उसको उल्टा करके, तो साहब जो थे उसकी कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। अब धमाका हुआ है, यानी कि जोर से मारा ना, धमाका हुआ, गिर पड़े हैं वो साहब जो थे, और दिया सलाई भी गिर पड़ी है। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आहा मीन गोट कहते हुए चित हो गई। अब देखिए जो एक कुंदा जो है, यानी कि हत्था कह सकते हैं उसका अपने, तो जैसे ही लहना सिंह ने उसकी कोहनी पर मारा तो धड़ाम से वो नीचे गिर गए साहब जो थे, और लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब जो आहा कहते हुए मीन गोट कहते हुए चित हो गए मतलब बेहोश हो गए। लहना ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंक के और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। अब देखिए उसने देख लिया था लहना सिंह ने कि ये जो जर्मन है वो कहाँ कहाँ वो लगा रहा है, गोली लगा रहा है ना बेर के आकार के, तो उनको निकाल दिया, तीनों को निकाला और बाहर फेंक दिया खंदक के, और सांप को घसीट कर वो सीढ़ी के पास ले आया और वहाँ लेटा दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। अब देखिए तलाशी ली है, 3-4 लिफाफे थे उसकी जेब में और एक डायरी थी, निकाल कर अपनी जेब में डालिए। साहब की मूर्छा हटी, क्यों मूर्छित हो चुके थे ना, वो होश में आ गया। अब लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब मिजाज कैसा है, मिजाज मतलब तबीयत कैसी है आपकी, आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। अब देखिए लहना सिंह उससे मजाक में कह रहा है, हंसते हुए कह रहा है कि मैंने बहुत सी बातें सीख ली हैं, कि पहली बात तो ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, अब देखिए सिख जो वो तंबाकू का सेवन नहीं करते, तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पहली बार ये सीखा है कि सिख जो है वो सिगरेट पीता है, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती हैं जबकि वहाँ पर नीलगाय नहीं है, और उनके भी 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अब मुसलमान जो खानसामा अर्थात जो रसोइये हैं वो मंदिरों में जाके जल चढ़ाते हैं, और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, यानी गधे पर चढ़ते हैं, गधे की सवारी करते हैं, पर यह है तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आई। अब वो उससे प्रश्न पूछ रहे लहना सिंह कि तुम बताओ तो सही है कि ऐसी जो है साफ उर्दू तुमने कहाँ से सीख ली है, कहाँ से सीख के आई हो। तो हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, क्योंकि ये तकी कलाम कह सकते हैं, डैम जो शब्द है ना वो कहते थे डैम फूल इस प्रकार से। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, अब पतलून क्या है, जो पैंट है ना जो पहन रखी थी उसने, जर्मन अफसर ने या जर्मन जो सैनिक कह सकते हैं या अधिकारी जो भी था, तो उसकी जो पतलून यानी कि जो पैंट की जेब है उनकी तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए हाथ जो दोनों हाथ जेबों में डाले। अब लहना सिंह को लगा कि जाड़े से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए उसने जो है अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए हैं, लेकिन लहना सिंह को पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने वर्ष लप्टन साहब के साथ रहा है। अब लहना कहता है कि चालाक तो तुम बड़े हो, लेकिन मांझे का जो लहना सिंह ना इतने वर्ष लप्टन साहब के साथ ही रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, यानी कि पूरा जो चौकन्ना होगा तो ही वो मुझे जो है चकमा दे सकता है, अर्थात मुझसे जो है पार पा सकता है, लेकिन तुम जो है
तीन महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। और वो कहते हैं कि 3 महीने हो गए कि एक तुर्की जो मौलवी था मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। अब तुर्क का कोई मौलवी वहाँ मेरे गांव में आ गया 3 महीने पहले, तो औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा कर हुक्का पीता रहता था। और चौधरी साहब हैं वहाँ गांव के, तो उनके जो बड़ है, बड़ का पेड़ था, उसके नीचे वो मंजा मतलब चारपाई जो बिछा कर हुक्का पीता रहता था। और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, कि जर्मनी वाले ना बड़े विद्वान हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गई है, कि वेदों को पढ़ पढ़ के वो जो है उसमें से विमान जो है उसको चलाने की विद्या जान गई हैं। गौ को नहीं मारते यानी गायों को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। कि हिंदुस्तान में अगर आ गए ना ये जर्मन जो है तो गौ हत्या जो है वो बंद हो जाएगी। मंडी के बनियों को बहकाता है कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। अब वो जो व्यापारी थे मंडी के, तो उनको बहकाता कि डाकखाने में अगर आपका रुपया है तो उसको निकाल लो, राज्य सरकार का राज्य जाने वाला है। सरकार यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, तो उनका राज्य जाने वाला है, बस जर्मन आ जाएंगे वहाँ पे। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। अब ये वहाँ का डाक बाबू है पोलू राम, उसके गाँव का, तो वह भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। अब देखिए लहना सिंह कितना अधिक निडर स्वभाव का है। वो कहता है कि मेरी सरकार के खिलाफ ऐसा तू नहीं कुछ कह सकता। और वो कहता है कि मैंने मुल्ला की जो दाढ़ी है ना वो मूंड दी थी, दाढ़ी काट दी थी उसकी मैंने, और गांव से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि मेरे गांव में अगर पैर रखा तो देख लेना। फिर साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर अब देखिए, अब उसको तो लगा था कि लहना सिंह को, कि वो ठंड की वजह से जो साहब है जर्मन साहब हैं वो हाथ डाल रही हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जो है ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जो जेब में रखी हुई पतलून की जो जेब में रखी हुई जो पिस्तौल है तो वह चला देगा। तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनो के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। अब देखिए लहना सिंह की जो हेनरी मार्टिनी थी ना, जो राइफल उसके पास में थी लहना सिंह के पास में, तो उसके 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। अब कपाल क्रिया करना मतलब कि जो सिर है ना उसको भेद दिया। अब सिर में गोली मारी है उसने सीधी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए, धड़ाका सुनकर यानी कि जो आवाज़ है ना गोली की आवाज़ सुनकर सभी दौड़े आए। बोधा चिल्लाया क्या है? अब बोधा सिंह चिल्लाए कि क्या हो गया, कि ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार से हो रहा है? तो लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। अब हड़का हुआ यानी कि हड़का हुआ जो कुत्ता है ना, जो हर किसी के पीछे भागता था और हो सकता है कि हमें खाए, तो हड़का हुआ कुत्ते की संज्ञा दी है इसमें कि मैंने मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया जो बाकी और थे ना, क्योंकि बोधा सिंह से तो नहीं कहा क्योंकि वो तो बीमार था, तो सब बंदूकें लेकर तैयार हो गई। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांध कस कर बांध ली। अब देखिए बोधा सिंह को किसी प्रकार से जो है दुखी नहीं करना चाहता, अर्थात बताना नहीं चाहता था उस समय का जो हाल है, नहीं तो बोधा सिंह चिंतित तो हो जाता, वो पहले से बीमार था। बाकी जो थे उनसे वो सब हाल कह दिया और सभी जो बंदूक के लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांध कर कस कर बांध ली। घाव मांस में ही था, अब जो गोली है ना वो पार कर गई है, घाव मांस के अंदर ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। अब देखिए अब जर्मनों की ये साजिश थी, वहाँ से सूबेदार को तो वहाँ से भेज दिया है, बाकी सैनिक चले गए सिर्फ। अब वहाँ पे कितने रह गए हैं? 8-9 सैनिक ही रह गए थे। अब 10 थे वहाँ पे, 10 में से एक तो बीमार है और सिर्फ जो है एक्टिव कह सकते हैं अपनी, वो 8 ही थे। अब इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में कूद पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोक दिया, रोका। अब पहली बार जब धावा किया ना 70 सैनिकों ने, जर्मन जो सैनिक थे उन्होंने, तो पहला जो धावा था जो आक्रमण था उसको रोक दिया, फिर दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। अब देखिए 8 ही थे, मैंने आपको बताया ना पहले, पहले 10 रुके थे यहाँ पे। वजीरा सिंह को तो भेज दिया उसने, लहना सिंह ने कि जा सूबेदार सिंह और को बुला के लिया, यहाँ पे कोई विपत्ति आने वाली है, ये जो हमारे लफ्टन नहीं है और ये तो कोई और ही है ना, कोई दुश्मन ही हमारे यहाँ पे आ गया है। तो
तो एक तो वहाँ चला गया, एक बोधासी बीमार है, तो इस कारण से कुल आठ ही थे यहाँ पर यहाँ थे आठ। लहना सिंह है तक तक कर मार रहा था। अब तक तक कर मतलब कि देख देख कर मार रहा था कि कौन है कहाँ है। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। अब वो अकेला ही खड़ा हुआ था, बाकी सब लेटे हुए हैं, और वे सत्तर। अब वे सत्तर मतलब जर्मन सैनिक जो हैं वे सत्तर थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। अब देखिए जर्मन जो है वो अपने मुर्दा जो भाई हैं यानी कि जो जिनको लहना सिंह और उनके साथियों ने मार दिया था, अब चुन चुन के मारे थे ना वो, तो उनके जो शरीर हैं मरे मृत जो शरीर हैं उनके ऊपर से वो चढ़ चढ़ कर जो जर्मन सैनिक है वो आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे, अब थोड़ी देर में क्या हुआ, अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। अब अचानक फिर आवाज़ आ रही है, अब क्योंकि वजीरा सिंह है वो सूबेदार साहब को लेके आ गया है, सारे सैनिक आ गए, तो वाह वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। तो ऐसा जो उद्घोष लगाते हुए वो आ गए हैं और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। अब देखिए पीठ पर पड़ने लगे, एक सामने से वार हो रहा है, पीछे से वार हो रहा है। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गई। अब ऐन मौके पर अगर थोड़ी देर अगर और हो जाती तो हो सकता था कि जर्मन जो सैनिक है उस खाई पर उस खंदक पर अपना अधिकार कर लेते और वहाँ पे जो आठ सैनिक थे वो भारतीय वो मर जाते, शहीद हो जाते। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। अब संगीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंदूक के आगे जो एक चक्कू लगा रहता है, जो छुरा लगा रहता है, तो उसको संगीन कहा जाता है। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। अब जो भी पास आ गए ना तो गोली नहीं चला रहे, वो संगीनों से ही मार रहे हैं उनको। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हमला हो रहा है, किस प्रकार से जो लहना सिंह है उसने प्रत्युत्पन्न मति जो है उसका प्रयोग किया और किस प्रकार से उसने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए सूबेदार सिंह हैं जो हैं और अपने जो साथी हैं उनकी जान बचाई है। तो इस प्रकार से जो लहना सिंह हैं इस कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह जो है एक प्रत्युत्पन्न मति कह सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं, और अपने जो कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव रखने वाला एक सच्चा सिपाही है। तो इस प्रकार से उसने अपनी जो खंदक थी उसको दुश्मनों के अधीन होने से बचा लिया और सूबेदार जो हैं वो पीछे से आ गए हैं और जर्मन सैनिकों को पीछे से संगीन से पिरोने लगे और लहना सिंह के साथ ही आगे से। तो इस प्रकार से सभी सैनिकों को मार दिया। तो आज के भाग में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे तीसरे भाग के अंतर्गत कि क्या और भी सैनिक वहाँ आते हैं क्या, जर्मन के, क्या वे सभी सैनिकों को मार देते हैं, तो क्या होता है और किस प्रकार से जो लहना सिंह हैं तो उसके जो घाव हो चुका है क्या उसका मरहम पट्टी हो रही है या नहीं हो रही, तो ये पढ़ेंगे हम भाग तीन के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।